ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कारमेरा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। नमस्कार दोस्तों, कारमेरा में का स्वागत है। हम न्यूज रिव्यूज और अपडेट्स की बात किया करते हैं नई कारों के बारे में जो नई आ रही हैं, और इसके बारे में हम एक दूसरे से कमेंट के जरिए बात भी बताया करते हैं। कोई चीज अगर नई आई है तो उसकी भी बात करते हैं, और कोई अपडेट नहीं आई है या कौन सी कार सूटेबल रहेगी और कौन सी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगी, हम उस बारे में बात किया करते हैं। तो दोस्तों, नई वीडियो रोज देखने के लिए प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे नोटिफिकेशन बेल भी पुश कर लीजिए ताकि वीडियो जैसी भी आती है आपके पास साथ के साथ पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं सब 4 मीटर के जो प्रबल दावेदार हैं उनके लिए क्या कंपटीशन नया खड़ा हो रहा है और कौन सी नई कारें उसके अंदर आ रही हैं, वो चीजों के अंदर अपडेट भी आ रही है। आज कौन सी कार आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़े लिया होगा कि हम होंडा अमेज के बारे में बात आज करने लगे हैं। होंडा अमेज जो कि ऑटो एक्सपो में शो की गई थी, रिवील की गई थी 2013 से लेके अब तक, छोटे मोटे इसमें चेंजेस होते रहे लेकिन बेसिक चेंज, कोई प्लेटफॉर्म चेंज या कह लो कि कंप्लीटली न्यू कार की जो जरूरत थी वो अभी तक ड्यू पड़ी थी इसकी, तो उसकी जरूरत भी थी और वो इसने कर भी दिया। अब क्या था कि पहले डिजायर आई सब 4 मीटर की, जो सेगमेंट स्टार्ट करने वाली कार थी वो ये थी, डिग्गी वाली कार की, जो बोलते हैं हम बजट लो बजट के जो लोग हैं मेरे जैसे, उनको सबको जरूरत पड़ती है डिग्गी वाली कार चाहिए, लेकिन बजट कम है हमारा, तो सब 4 मीटर का इजाद किया गया। पहले इंडिगो सीएस आई, डिजायर आई, लेकिन वो अनप्रोपोर्शन कारण लगती थी, देखने में लगती ठीक है वो गुजारे लायक कुछ चीज बना दी गई है, लेकिन अमेज ने आके कुछ ऐसा किया कि लगा कि सबको कि कुछ अलग सा होना चाहिए और ऐसी चीज बन भी सकती है, सब 4 मीटर पे भी कंप्लीट लुक आ सकती है। अब दोस्तों, उस चीज को बीते अब 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों जब दो कारें थी तब तक तो एक दूसरे से ही कम्पीट कर रही थी, लेकिन अब इन कारों ने आके अच्छा खासा कंपटीशन इनके लिए भी खड़ा कर दिया। अब जैसे कि हम एक दौर की बात करते हैं, डिजायर काफी देर से लंबी समय से अपडेट नहीं हुई थी, तो अब कंप्लीट इसका हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म करके कंप्लीट चेंज कर दी गई कार, लंबाई चौड़ाई बढ़ा के इसके इंटीरियर में फर्क डाल दिया गया, जो कमियां थी इसकी वो दूर कर दी गई, तो एक गाड़ी और भी सुंदर और भी अच्छी बन गई है। यही चीज एक्सेंट के साथ भी की गई, उसको भी बहुत अरसे के बाद उसको चेंज करके नया प्लेटफॉर्म देके उसको पेश किया गया, उसके बाद अब रिसेंटली अब नई अपडेट भी उसकी आई है। यही काम अब एस्पायर के साथ भी होने वाला है। एस्पायर अब प्रोडक्शन बंद कर दी गई है, उसकी नई एस्पायर आएगी, फेस्टिवल सीजन के नजदीक आएगी, अभी फ्री स्टाइल हाल ही में अभी कल या परसों ही अभी लॉन्च हुई है। तो यही चीजें अमेज को भी जरूरत थी, तो अमेज के लिए भी उन्होंने ये चीज की, कंप्लीटली नया प्लेटफॉर्म, नई इंजन के साथ तो सीवीटी आ रहा है वो तो बात है ही है, लेकिन उसके बाद जो इसका बूट था, इंटीरियर था, कंप्लीटली प्लेटफॉर्म नया, सारा कुछ नया चेंज किया है, उसके बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। पहले इसके हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन में क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों। इसकी डायमेंशन की अब शुरू से बात करें कि डायमेंशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लंबाई चौड़ाई और ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ बढ़ गया है इसका, तो जिसका फायदा हमें अंदर भी मिला है और बाहर भी देखने में अच्छी लग रही है। तो हम पहले डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन में दोस्तों लेंथ इसकी 3995 mm के बाद बात कर रहे हैं, विड्थ इसकी 1695 mm हो गई है, व्हील बेस इसका 2470 हो गया और ग्राउंड क्लियरेंस 170 हो गई है। तो दोस्तों जो ये चीजें आई हैं इसके अंदर, ये होने से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने से और व्हील बेस इसका बढ़ने से जाहिर सी बात है अंदर ही फर्क पड़ा, बाहर देखने में भी इसकी लुक एक प्रोपोर्शन हो गई है, देखने में स्क्वेरिश टाइप की लुक लगेगी हमें। हम फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट में एक बड़ा सारा क्रोम का एक पट्टी नजर आती है हमें, जो हमें सिविक जो इनकी आ रही है उसकी याद दिलाती है, या होंडा सिटी में जैसे लाइट्स आती हैं, लाइट्स स्लिक सी नजर आती हैं, देखने में सुंदर लग रही हैं। हालांकि जो इसकी लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर नहीं है, वो सिंपल कन्वेंशनल लाइट्स जो पहले आ रही थी अभी वही आएंगी, पर इसके साथ में डे टाइम रनिंग लाइट्स का जरूर एक प्रोविजन दे दिया गया है। दोस्तों इसके जब थोड़ा और नीचे आए तो इसकी ग्रिल देखने में थोड़ा ब्लैक पोर्शन आता है उसके नीचे, और साइड्स में इसके ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जिसके अंदर फॉग लैंप राउंड शेप के इमर्ज किए गए हैं। देखने में दोस्तों फ्रंट से लुक इसकी थोड़ी अपीलिंग लग रही है, अब देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है, पहले BRV से इंस्पायर लगती थी लेकिन अब बेटर लग रही है, मेरे को पर्सनली ये गाड़ी अब थोड़ी बेटर लगी पिछली गाड़ी से। हालांकि इसमें अभी भी जो फ्रंट ग्रिल है मेरे को उसमें अभी भी इसके अंदर डिजाइन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी लग रही है। तो चलिए दोस्तों उसके बोनट के ऊपर चलते हैं। बोनट में इसके हल्की हल्की स्लीक लाइंस हैं जो इसको एक ब्रॉड सा एक अच्छी सॉलिड मस्कुलर से लुक देने में इसके सहायक हो रहे हैं।
साइड्स के प्रोफाइल के अंदर चले तो डोर्स के ऊपर एक लंबी सी पट्टी जा रही है लाइन की, वो देखने में सुंदर लग रही है, एरोडायनेमिक शेप उसकी लग रही है। उसके साथ जो इसके टायर्स हैं दोस्तों, पहले R14 आते थे, R14, अब R14 इसके लोअर वेरिएंट में आएंगे, लेकिन R15 विद एलॉयज आर बड़े वाले वेरिएंट्स के अंदर, या ऊपर वाले वेरिएंट जो महंगे वाले वेरिएंट है टॉप एंड वाले, उनमें आएगा वो। और अब मेरे को एलॉय से भी थोड़ी शिकायत है, एलॉय बहुत सिंपल है इसके, जिसको कि अच्छे होने की और इम्प्रूव होने की गुंजाइश बिल्कुल बन रही है, मेरे को वो चीज थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम लग रही है। अगर दरवाजों के ऊपर हम खिड़की की तरफ देखें या ग्लास एरिया देखें, ग्लास एरिया काफी बड़ा है देखने में, अगर अंदर हम केबिन के बैठेंगे तो एरी फील होगा वो। हम इसके रियर की तरफ चलते हैं तो रियर प्रोफाइल इसकी देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है, मेरे को अच्छी लगी इसकी रियर, फ्रंट के बजाय मेरे को रियर प्रोफाइल अच्छी लगी। बाकी डिजाइन अपना अपना मैटर है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता। हालांकि इसकी जो सी शेप के जो टेल लाइट्स हैं, टेल लाइट्स देखने में हमें CRV या BRV यानी कि WRV की हमें याद दिलाते हैं, एक फैमिली जो नई फैमिली जनरेशन आ रही है उसके अंदर का डिजाइन इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जो डिग्गी का जो बॉक्स है या जो उसका ढक्कन है इसको हम बोलते हैं, वो बड़ा कर दिया गया, ब्रॉड लग रहा है देखने में, और इसको देख के लगता है कि बूट अंदर का स्क्वेयर होगा, 400 लीटर का बूट है वो भी देखने में एक यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर एक चीज बन गई है। वो इसके बंपर की बात करें, पिछला बंपर भी बड़ा खूबसूरत थोड़ा चौड़ा हो गया, अब देखने में पीछे से गाड़ी बड़ी लगती है, लगती नहीं है कि सब 4 मीटर की छोटी गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी ओवरऑल डायमेंशन, चारों साइड इसका मैंने आपको बताया, फ्रंट साइड डोर, डोर के ऊपर ग्लास और जो इसके अलॉयज आ रहे हैं और रियर। अब दोस्तों इसके बात करते हैं हम इंटीरियर की। इंटीरियर में दोस्तों इसके इंटीरियर को अगर हम देखेंगे तो कम्प्लीटली नया एक इंटीरियर दिया गया है इसको, कम्प्लीटली नया एक कलर कॉम्बिनेशन और कुशनिंग, एसी इवेंट्स सब कुछ चेंज किया गया, हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम इसके स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग दोस्तों अब चेंज कर दिया गया है इसका, देखने में अब अच्छा लग रहा है, ग्रैब इसका अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, क्रूज कंट्रोल इसमें है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो फोन के हैं और म्यूजिक सिस्टम के जो कंट्रोल हैं वो इसके स्टीयरिंग के ऊपर हमें नजर आते हैं। और इसका जो स्पीडोमीटर का जो कंसोल है वो मेरे को थोड़ा बेसिक लगा, मेरे को यही प्रॉब्लम इसके एस्पायर के अंदर भी थी और इसके अंदर भी है, जो सब 4 मीटर गाड़ियों की बात करूंगा, कि कंपनी की बात नहीं कर रहा, पहले भी ऐसे ही थे, अब भी मेरे को कुछ इंप्रूव लगे, लेकिन इसमें अभी इंप्रूवमेंट की और भी गुंजाइश थी तो ये और अच्छे हो सकते थे। जो सेंटर के इसकी MID है वो काफी यूजफुल है, काफी ब्राइट है वो देखने में, उसमें सारे फंक्शन जो इसके MID के डिस्प्ले में जितनी ड्राइवर के लिए इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आती है, वो देखने में अच्छा लगा कि इसका डिस्प्ले थोड़ा अच्छा है और ब्राइट है। थोड़ा साइड में आ जाते हैं दोस्तों, तो इसके जो हम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर अब दे दिया गया है वो देखने में और महसूस करने पे भी अच्छा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है इसकी, वो इतनी बेहतर नहीं है जैसे कि डिजायर की है, और इतना बढ़िया फील नहीं है जैसे Sync 3 सिस्टम फोर्ड का है। हालांकि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा का ऑप्शन भी हमें मिल रहा है, और इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और नेविगेशन का सिस्टम भी हमें इसमें मिल जाता है। थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों, हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के हमें स्विचेस मिल जाते हैं, नॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, और किसकी दोस्तों क्वालिटी की मैं बात करूं, प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है, नॉब्स भी अच्छी हैं, और जो नॉब्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया वो भी अच्छा लगता है। उसके दोस्तों थोड़ा और नीचे आते हैं तो इसके अंदर एक स्क्वेयर एक बॉक्स हमें मिल जाता है, जिसके अंदर हम अपना निकनैक्स रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं और वॉलेट रख सकते हैं। उसके थोड़ा और आगे आए तो दो हमें कप होल्डर हमें मिल जाते हैं, जो काफी यूजेबल है, मेरे को ये चीज इसमें अच्छी लगी कि एक सीक्वेंस में अच्छी चीजें लगाई हुई है उन्होंने। उसके बाद गियर लीवर को देखें, गियर लीवर हालांकि इन्होंने चेंज कर दिया लेकिन अभी भी छोटा है वो, देखने में भी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा छोटा लगता है वो देखने में। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स अच्छी खासी कुशनिंग उसमें है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है, ड्राइवर के लिए जो सीट है उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है। लेकिन मेरे को एक बात और इसमें बहुत अच्छी लगी, जो इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी कि अब जो ड्राइवर साइड का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। इसके लिए मैं थम्स अप बोलूंगा होंडा को, क्योंकि ये चीज जरूरी चाहिए होती है, खास तौर पर जिनको जिनकी हाइट ज्यादा है तो उनको बड़ी परेशानी होती थी गाड़ी चलाने में, लेकिन अब वो चीज दूर हो गई है। ब्लैक और बीच कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है देखने में, और जो एसी वेंट्स हैं, पहले की आप होंडा अमेज देखोगे तो राउंड शेप के होते थे, लेकिन अब इसमें स्लीक रेक्टेंगुलर शेप में आ गए हैं,
जिसके साइडों पे हम क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और पियानो ब्लैक का फिनिश का इस्तेमाल जगह जगह पे किया गया, जो देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों इसका ग्लव बॉक्स भी देखिए तो वो भी ठीक है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और यूजेबल भी लग रहा है। तो दोस्तों अगर हम कंप्लीट डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखने में ओवरऑल अच्छा है, पॉल प्लास्टिक क्वालिटी बढ़िया हो गई है, हालांकि मेरे को स्पीडोमीटर नहीं इतना अच्छा लगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया है अमेज में होंडा ने। और दोस्तों अगर हम इसके फिनिशेस की बात करें, साइडों के डोर के अंदर बात करें, तो चारों डोर्स के अंदर हमें बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम रियर सीट के ऊपर चलते, तो रियर सीट की कुशनिंग थोड़ी बढ़ गई है और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने के कारण इसकी जो नी रूम है या नी सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ गई है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक हो गई है, और रियर बेंच ठीक ठीक है, लेकिन पीछे की हेडरेस्ट में अभी भी फिक्स है, वो अभी भी उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। और दोस्तों अगर हम इसके रियर में जो एसी वेंट्स हैं उनकी बात करें तो वो मिसिंग है इसके अंदर, उसमें एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। सेंटर में हमें एक 12 वोल्ट की सॉकेट मिलेगी, जो कि हमें फ्रंट में भी मिल रही थी, ये चीज मैं आपको बतानी भूल गया, 12 वोल्ट की सॉकेट एक फ्रंट में, और साथ में इसके यूएसबी चार्जिंग जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें मिलेगा। रियर में भी सेंटर में कंसोल के हमें मिलेगा 12 वोल्ट का सॉकेट और साथ में एक बॉटल होल्डर साथ में मिलेगा उसके। और जो हम दोस्तों रियर सीट की बात करें तो उसमें हेडरेस्ट के साथ हमें आर्मरेस्ट मिलता है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन आर्मरेस्ट के अंदर हमें कप होल्डर मिलते हैं, यानी कि यूटिलाइज करने के लिए जगह बहुत है इसके अंदर। तो ये गाड़ी अब देखने में और कुशनिंग के मामले में भी बेहतर हो गई है। तो ये गाड़ी ओवरऑल डायमेंशन के अंदर और प्लास्टिक क्वालिटी इंटीरियर वाइज भी बहुत बेहतरीन हो गई है गाड़ी। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अब इंजन्स का, पेट्रोल की अगर बात करूं मैं तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 89 bhp का 110 nm की टॉर्क जनरेट करता है, 5 स्पीड मैनुअल में और 7 स्पीड सीवीटी में, जो कि पैडल शिफ्टर के साथ आ रहा है। दोस्तों पैडल शिफ्टर के साथ आजकल ट्रेंड हो गया है आने का, तो ये अच्छी बात भी है, जैसे कि हम उसमें देख रहे हैं, इको स्पोर्ट में भी देखा हमने और सिटी में भी देखा और इसमें भी हम देख रहे हैं, तो दोस्तों ये अच्छी बात है, आसान हो जाता है गाड़ी को ड्राइव करना भी। और दोस्तों अगर इसकी हम एवरेज की बात करें तो 19.5 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है, हालांकि ये हमें 12 से 15 के बीच में एवरेज दे देगी, सिटी की कंडीशंस में अगर ड्राइव हम स्मूथली एक रेगुलर रन पे कर रहे हैं या फिर बम्पर ट्रैफिक है तो 11-12 की एवरेज हमें देगी, हाईवे के ऊपर वही हमें 16 से 18 के बीच में एवरेज हमें दे सकती है एवरेज, जो कि ठीक है इस साइड की साइड की गाड़ी के लिए। सीबीटी के अंदर हम चलाए तो उसको 1 या 2 किलोमीटर की एवरेज को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इंजन दोस्तों स्मूथ है इसके अंदर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इंसुलेशन का अब बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, सस्पेंशन इस गाड़ी की अच्छी हो गई है, पुरानी गाड़ी के मुकाबले अब इसमें खड्डों के ऊपर चलाते हुए हमें ज्यादा महसूस नहीं होते खड्डे। अब दोस्तों हम बात करते हैं डीजल इंजन की। डीजल इंजन में दोस्तों सीबीटी इंजन आ रहा है इसका 79 bhp में और 160 nm की टॉर्क जनरेट करता है, और जो इसका मैनुअल वेरिएंट आ रहा है दोस्तों वो 100 bhp के अंदर 200 nm की टॉर्क जनरेट करता है। ये दोस्तों वही वॉक्सवैगन और फोर्ड के जितनी ही 1.5 लीटर का इंजन है और थोड़ा चलाने में इसको मजा आता है। इसकी जो पेट्रोल को अगर हम हाई स्पीड पर रेव करते हैं तो थोड़ी साउंड अंदर आती है, लेकिन डीजल के अंदर ये चीजें नहीं आएगी हमें महसूस होंगी, तो इंसुलेशन और बेटर हो गई है इसके अंदर। असली चीज अगर चलाने का मजा लेना है इसको तो डीजल इंजन मेरे लिए बेस्ट पिक लगी। दोस्तों इसकी एवरेज की अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी तो कहती है कि 27.4 की इसकी एवरेज है, लेकिन हाईवे के ऊपर हम चलाएंगे तो 18 से 22 के अंदर हमें एवरेज मिल जाएगी, लोकल में हमें 16 से 18 के बीच में एवरेज मिल जाएगी, सीबीटी में वही हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हालांकि सीबीटी के अंदर हम एक और बात आपको बताऊं जो एक अच्छी चीज इसके अंदर आई है, हालांकि वो पेट्रोल में नहीं है, ड्राइव मोड स्पोर्ट मोड ये दोनों मोड तो सीवीटी में पेट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन डीजल के अंदर ड्राइव मोड सपोर्ट मोड और एक एल मोड भी इसके अंदर आता है। एल मोड का एक है कि लो आरपीएम के ऊपर टॉर्क आपकी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, लोअर गियर के अंदर रेशो ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी टॉर्क की, तो उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि जहां हमने पहाड़ों के ऊपर चढ़ाना है गाड़ी को, तो वहां चढ़ाने के लिए गाड़ी एक बेहतरीन हमें पेपी इंजन का एक वो दे देगी, सपोर्ट अच्छी दे देगी। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें सीवीटी के ऑप्शन साथ में आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर एक गाड़ी आ रही है, तो एक कंप्लीट पैकेज देने की होंडा की कोशिश एक अच्छी लग रही है देखने में।
बाकी कामयाब कितनी होती है तो वो तो अब गाड़ी आएगी और उसकी कीमतें अभी आएंगी तब हमें पता लगेगा। हालांकि बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है होंडा की तरफ से। दोस्तों गाड़ी की जो हम ओवरऑल जो इसके इंजन की बात कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल के इंजन की जो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पेट्रोल के अंदर तो अभी भी डिजायर ही बेटर पिक लगेगी। हालांकि डीजल के अंदर ये अब बेहतर चॉइस हो गई है, अमेजर नहीं आएगी आ रही है और एस्पायर अब नहीं आने वाली है, तो देश देखने का कंपटीशन कैसा रहता है। और मई के अंदर ये गाड़ी दोस्तों लॉन्च हो रही है और सारे जितने इसके अंदर फीचर्स हैं और सारे जितने इसके मॉडल हैं उन सब मॉडल वाइज इसकी जो कीमत आएगी तब हम उसका वो भी निकालेंगे प्रेडिक्ट की क्या इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज है और जो इसकी कीमत आई है वो इसको वाजिब है या इसकी जो फैसिलिटीज इसके अंदर जो फीचर्स दे रहे हैं उसको सूट करती है नहीं करती है। पहली वाली जो थी अभी फ्री सेल जो लॉन्च हुआ उसके बारे में आई बटन में क्लिक करके देखिए, उसमें सारी डिटेल हमने डाली है कि क्या क्या उसके अंदर फीचर के वाइज कौन से हमें वैल्यू फॉर मनी रहेगी गाड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक सीट बेल्ट लगा के आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं और सेफ रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।